नमस्कार नमस्कार। लग रहा है सब थक गए हैं, टाइम ज्यादा ले लिया आपने, एनर्जी खत्म हो गया। तो मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और रहने के लिए मैं विरार के अंदर, मुंबई के अंदर मैं 97 से हूँ। अपने लाइफ में मैंने 20 साल जॉब किया, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस थे। सैलरी आ रहा था, पैसे आ रहे थे, परिवार तो चल रहे थे, लेकिन लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने थे, कहीं ना कहीं अधूरे थे। नींद जो हमारी ज़रूरतें थी वो भी सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे थे, सपने तो बहुत दूर की बातें थी। बहुत सारे चैलेंज थे लाइफ में। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो लोगों से पैसे लेन देन करने भी पड़ जाते थे। यदि 40-50 हज़ार रुपया यदि हम लेन देन कर लेते थे तो पूरा रोटेशन टूट जाता था एडजस्टमेंट करने में। तो 4-6 महीने तो सिर्फ अपने आप को संभालने में लग जाते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम थे और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बार बार सोच रहा था। उसी बीच एक फैमिली एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से सर के ऊपर 4-5 लाख रुपये कर्ज हो गए थे। और ये 4-5 लाख रुपये जो मेरे सर के ऊपर कर्ज थे, ये मुझे बार बार परेशान करते थे। और ये पैसा मैंने किससे लिया था? उन लोगों से लिया था जो मेरे दोस्त हुआ करते थे या जो मेरे रिलेटिव थे, जो मेरे अपने लोग थे, उनसे मैंने लिया था। उन लोगों ने तो एक साल तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि यदि मैं मांगूंगा नहीं तो ये देगा भी। फिर उन लोगों ने मांगना चालू किया, मैं वादे पे वादा करते जा रहा हूँ, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि जो सैलरी आ रहा है 30-32 हज़ार रुपये, वो यहाँ से लेके गांव तक सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते थे। बचता नहीं था, सेविंग नहीं हो पा रहा था। मैं देना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं बच रहे थे। तो एक चीज समझ में आ गया कि अब तो कुछ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि लोग दरवाजे पे भी आना चालू कर दिए, लोगों की आवाजें भी तेज होना चालू हो गई। फिर दिमाग नहीं काम करता था। तो एक चीज समझ में आया कि अब मुझे किसी ने भी किसी रूप में कुछ ना कुछ तो अब मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो आगे और चैलेंजेस बढ़ेंगे। और थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन अरुण सर का, उन्होंने उसी दौरान मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। जब भी फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताया तो उस टाइम मुझे ये बिजनेस है क्या, मुझे कुछ भी पता नहीं। सर बार बार बताते हैं ना कि कोई लॉस नहीं है, नौकरी और बिजनेस के साथ में कर सकते हैं और किसी का नुकसान नहीं है। मुझे भी यही समझ में आया बिजनेस क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो चाहिए था अपने कर्ज को उतारने के लिए। मुझे वही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। बस मैंने इसको ग्रेप किया आज से 2 साल पहले और धीरे धीरे सीखने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम ये बिलीव, विश्वास जो होता है ना, लाखों आएगा, करोड़ों आएगा, लाइफ में सपने पूरे होंगे, ये सब चीज़ों के ऊपर बिलीव विश्वास नहीं होता था। लेकिन ऐसे इवेंट में आना चालू किया, संडे शाम को जहाँ पे सर मुझे बुलाते थे, सर यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, मैं वहाँ पे जाने की कोशिश किया। और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखना चालू किया, सुनना चालू किया जो अपने लाइफ में सक्सेस थे। तब जाके धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आया, ये बिलीव अपने अंदर पैदा हुआ कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर वो चीज़ें जो हमें सिखाई गई कि हम क्या करने से हमारे घर पे इनकम आएगा, सर ने बताया ना किस तरीके से हमारा 8% हो सकता है, 12% हो सकता है, कैसे हम डायरेक्टर बन सकते हैं, वो चीज़ें हमने अप्लाई करना चालू किया। हम भी एक दिन 8% बने, एक दिन 12% बने, एक दिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, सिल्वर बने, आज आप लोगों के सामने गोल्ड बन के खड़ा हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत तरीके की बातें हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ आ रही और जा रही हैं, और यदि अपने पास में नॉलेज नहीं होता है तो जो सामने वाला बोलता है, और वो सामने वाला कौन होता है? अपने लोग होते हैं, अपना दोस्त होता है, अपना रिलेशन वाला होता है। वो जो बातें बोलता है हमें लगता है वो जो बोल रहा है वही सही है,
और हम उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हम खो देते हैं। हमारे साथ में भी हुआ है, बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन हमें अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे इवेंट में, ऐसे मीटिंग में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करना। पैसा कितना आता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल, कोई मायने नहीं है। सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है। हमने शुरू के 9 लोगों का ना सुना है, कितने लोगों का? 9 लोगों ने ना बोला था, तब मुझे ऐसा लगता था कि या तो मैं गलत हूं या तो कंपनी गलत है, कुछ तो गलत है। लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि मैं ही गलत हूं, क्योंकि मेरे पास में नॉलेज नहीं है। तो मैंने अपने नॉलेज के ऊपर धीरे धीरे काम करना चालू किया। सर को बार बार फोन करता था, एक दिन में 2-2, 3-3 बार फोन करता था, हर एक चीजों के बारे में जानने की चाहत हुआ करती थी। यदि मैं सर से पूछता था तो इनके अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा होता था कि ये बंदा मेरे से कुछ पूछ रहा है तो मुझे भी बताना चाहिए। सामने से फोन करके बताया भी करते थे सर। तो सबसे पहले नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा चीज बोलना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर कोई भी कुछ भी बोले, यदि कोई भी गलत बोल रहा है तो कंपनी के ऊपर अविश्वास कभी भी मत दिखाना। सर यहां पे बैठे बैठे बता रहे थे ना, कंपनी को 19 साल हो गया, तब मैं भी बैठ बैठ के सोच रहा था वहां पे, कंपनी को 19 साल, कितने लोग यहां पे बैठे होंगे शायद 19 साल के भी नहीं होंगे, बराबर? कोई है ऐसा 18-19 साल का है यहाँ पे कोई? 19। सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब ये कंपनी का नींव रख दिया गया था, 19 साल हो गया, और 19 साल के अंदर इंडिया की नंबर एक ही कंपनी बन चुकी है। इंडिया की नंबर एक ही कंपनी 18-19 साल का, सर बोल रहे थे ना, 18-19 साल का बच्चा कितना समझदार होता है, कितना मैच्योर होता है। आप जिसके भी बच्चे होंगे 18-19 साल के, देखिए कितने मैच्योर होते हैं। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी 100% देता हूं कि जिस दिन वेस्टीज 25 साल का होगा, अपनी पूरी जवानी पे होगा, वो इंडिया ने वर्ल्ड की नंबर एक ही कंपनी का। और यहां पे बैठे हुए जितने लोग हैं, अगले 5 साल अपने आप को वेस्टीज में टिका लिए तो यहां पे बैठा हुआ हर एक इंसान क्राउन और DUCT जा सकता है। आपको टिकाना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा। यदि आपने अपने आप को टिका लिया, अपने आप को सिखा लिया, तो आपको हारने से, आपको जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता है। 100% आप अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है आपको अपने सपनों तक लेके जाने के लिए। आप लोग तैयार हैं? Yes! आप लोग तैयार हैं? Yes! तो थैंक यू। मैं अरुण सर का बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पल पल सिखाया। और हमारे एक ग्रेट लीडर मनीष सर, कल मैं घर पे 12 बजे सब्जी काट रहा था, कितने बजे? 12 बजे और इतने में मनीष सर का और अरुण सर का फोन आता है। सर पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे से? सब्जी काट रहा हूँ, कैसा लग रहा है, मतलब इसे देख रहे हैं क्या, कैसा लग रहा है? तो फिर बोले कि मनीष सर भी लाएंगे हैं। तो मैं बोला अच्छा अच्छा, अब सब्जी भी काट रहा हूँ, आधे घंटे तक बात भी कर रहे हैं, अभी मैं क्या बोलूँ सर, रखो मैं सब्जी काट रहा हूँ। लगभग 2 बजे तक ऐसे ही कार्यक्रम चला, क्योंकि वाइफ नहीं है, वो मेरी सिस्टर के यहाँ थी और मेरे कपड़े मेरे रूम पे थे, तो मुझे चेंज करना था, क्योंकि मैं भी रक्षाबंधन था ना, तो 2 दिन से मैं भी उधर ही था जो है। तो कल गया घर पे कविता मैडम से मिलने के बाद में नाइट में, तो ये सब कार्यक्रम करने में देर हो गया। तो इम्पोर्टेंट मेरा यही है कि हमें 12 बजे 1 बजे भी मेरे ऊपर कोई तो है जो मेरे सक्सेस में इंटरेस्ट रखता है, मेरे ग्रोथ में इंटरेस्ट रखता है। दूसरा, टीम स्पार्टन में हमारे बहुत सारे कोर लीडर हैं, जिनके गाइडलाइन से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरे
टीम उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा एफर्ट दिया, बहुत ही अच्छा मेहनत किया। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से योगेंद्र सिंह आज आप सभी के सामने आके बात कर रहा हूं। यदि मैं गोल की बात करूं तो गोल बताना बहुत जरूरी है, और मैं पिछले 6 महीने 7 महीने से एक ही चीज़ बोल रहा हूं कि मुझे 25 लोगों को ग्रुप डायरेक्टर बनाना है दिसंबर 2023 के अंदर, और ये मैं करके रहूँगा। इस महीने का मेरा लक्ष्य है, इस महीने का गोल है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, अभी बाद में भी एक बार आऊँगा थोड़ा सा बात करूँगा, 21,000 पीजी का टारगेट लिया हूँ। और किसी को विश्वास नहीं तो मेरे पास आके बैठ ले, मैं रात भर बैठ के मैं पूरे महीने का प्लानिंग करके अपने डायरी में रखा हूँ, मेरे पास अभी भी है, मैं उसको दिखा सकता हूँ कि कहाँ से कितना कितना पीवी मुझे क्रिएट करना है 21,000 पीवी के लिए। वो नाम के साथ में लिखा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं उनका भी नाम लिखा हूँ कि उनके टीम से इतना पीवी मुझे क्रिएट करनी है, कितना मुझे 8% क्रिएट करना है, कितना मुझे ग्रूम डायरेक्टर क्रिएट करना है, कितना मुझे, वो सब चीजें मैंने डिटेल्स में लिखा हुआ है। और मैं 100% इस महीना अरुण सर और आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि इसको मैं क्रिएट करके ही रहूंगा। इस महीने में जो मेरा पिछला पीवी गया था एम है, 10 दिन के अंदर 10 तारीख तक मैं उसको पीछे छोड़ के आगे निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 3 गुना ज्यादा बिजनेस को लेके जाना है आगे। ये मेरा लक्ष्य नहीं है, यदि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो हमारे लोगों का ग्रोथ होगा। मैं चाहता हूँ कि 25 जो मेरा टारगेट हो, टारगेट कंप्लीट हो। और लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक गाना है ना, मेरा एक सपना था, कैसे गाना है ना, मेरा एक सपना, हाँ। बहुत दिनों से एक सपना देख रहा हूँ, सर एक सेलिब्रेशन तो करा दो सर एक सेलिब्रेशन। लेकिन जैसे ही मैं मुंह खोलता हूँ सर बोलते हैं 500 लोगों को बैठाओ, बैठा देता हूँ, मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। लेकिन मैं जरूर बोल रहा हूँ दिसंबर में जब 25 लोगों का सेलिब्रेशन करूंगा तो 500 लोगों के साथ में करूंगा, ये मेरा